अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? यकीनन सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको हाउस टूर करवाऊंगी। हमने लास्ट ईयर समर में ही ये कर लिया था। यकीनन हर एक की ख्वाहिश होती है, हर एक का दिल करता है कि उसका अपना घर हो, अपने घर में रहे, उसको डेकोरेट करे अपनी मर्ज़ी से। तो हमने ये समर में लिया था। ये मेन एंट्रेंस है, ये मेन डोर है जो बाहर से जब हम आते हैं तो ये वो वाला है। इसके आगे ये मैंने ब्लैक कर्टन टाइप हैं, डोरियाँ टाइप हैं, उसमें कहीं कहीं पल्स वगैरह लगे हुए हैं, वो मैंने लिए, मुझे अच्छे लगते थे। वैसे तो ये नहीं करने होते लेकिन फिर भी थोड़ा अच्छे लगते हैं, डेकोरेशन अच्छी हो जाती है इससे। ये जो वॉल क्यूब्स हैं ये भी मुझे काफ़ी देर के अच्छे लगते थे। जब हमारा घर नहीं था तब से ही मेरा दिल करता था कि ये लूँगी। और ये बेचारा तो समर से ही, गर्मी से ही मुझे लगता है उसके जो जल गया है ना, उसकी जो फ्लावर्स थे। ये बस डेकोरेशन वाला वैसे ही है। और ये है एयर फ्रेशनर, ये है इंडोर प्लांट, मेरे हस्बैंड को काफ़ी अच्छे लगते हैं, कहते घर में ज़रूर होने चाहिए। तो ये हमने मेन ही हॉलवे में रखा हुआ है एंट्रेंस के साथ ही। ये अपस्टेयर्स है और यहाँ स्टेयर्स पे भी हमने कारपेट ही, खैर हमने तो नहीं लगाई, जब हमने घर लिया था तो उन्होंने हर जगह ही कारपेट बिछाई हुई थी। तो कारपेट मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं तो काफ़ी खुश हुई थी कि चलो मेरी ये वाली विश भी पूरी हो गई कि कारपेट भी हर जगह ही बिछी हुई है। ये लाउंज है, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, पहले इधर ही हॉलवे की तरफ ये मिरर है। हॉलवे में ये भी लगा हुआ है, अच्छा लगता है, काफ़ी सिंपल सा है और थोड़ा डिफरेंट भी है। हॉलवे में भी कॉर्पेट ही है हर जगह ही। ये रेडिएटर्स हैं और ये हॉलवे का जो डोर है किचन की तरफ आता वो है। और यहाँ से हमारा किचन स्टार्ट हो जाता है। ये किचन ब्लैक एंड वाइट है, ब्लैक इसकी कबर्ड्स बनी हुई हैं और वाइट ये जो मार्बल टाइप लगी हुई है वॉल पे, ये भी अच्छी लगती हैं काफ़ी, क्योंकि ऐसे गंदा नहीं होता, पेंट नहीं करना पड़ता बार बार। जब किचन में ज़ाहिर है कुकिंग होती है तो स्मोक वगैरह हो जाती है। ये काफ़ी अच्छी हैं और किचन में भी कारपेट ही है, कारपेट इसके साथ मैच ही करती है किचन के साथ, शेल्फ़ के साथ और कबर्ड्स के साथ। ये है माइक्रोवेव, यहाँ कप्स पड़े हुए हैं और ये छोटा पॉट है, जैसे देगची टाइप होता है वो है, उसमें जब मैं कुकिंग करती हूँ तो एक्स्ट्रा ऑयल हो जाता है तो उसमें डाल लेती हूँ। यहाँ काफ़ी डार्क है तो चलो मैं ज़रा इसको ब्लाइंड्स को ऊपर कर लेती हूँ तो फिर अच्छे से नज़र आएगा। ये देखें, ये किचन की विंडो है, यहाँ से बाहर भी जो गार्डन वाली साइड है वो भी अच्छे से नज़र आती है और इधर से रोशनी भी जब आ जाती है तो फिर अच्छे से सब कुछ हो जाता है। सम टाइम जब क्लाउड्स होते हैं, मौसम अच्छा नहीं होता तो थोड़ी रोशनी आ जाती है। ये बाहर वाली साइड है हमारी गार्डन की ही। तो ये सिंक है, वहाँ साथ ही हैंड वॉश पड़ा हुआ है और फेरी है। ये टोस्टर है, टोस्टर भी मैंने तो घर लेने से पहले ही ब्लैक एंड वाइट ले लिया था। और ये कैटल, कैटल भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये भी घर लेने से पहले ही मैंने लेके रखी हुई थी। और ये है फ्रूट बास्केट, ये भी बहुत अच्छी लगती है। ये है हमारी डिश वॉशर, क्योंकि यहाँ जगह खाली थी, उन्होंने तो शायद ड्रायर ली थी, मुझे ड्रायर अच्छी नहीं लगती तो मैंने डिशवाशर हमने बाद में लगाई है। और ये हमारी है वॉशिंग मशीन, ये बिन है, बिन में किचन, बिन भी किचन में ही होती है। तो ये दूसरी साइड है, यहाँ कुकर वगैरह है, ये देखें ये कुकर है, यहाँ कुकिंग वगैरह होती है।
और ये नाइफ्स वगैरह हैं, उसका स्टैंड है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। ये भी हमने पहले तो नहीं, मेरे पहले दिल करता था लेकिन ये मैंने बाद में ही लिया था। जब हम घर देखते थे तो मेरा दिल करता था कि घर का किचन बहुत अच्छा होना चाहिए और बाथरूम अच्छा होना चाहिए। बाकी तो बंदा खुद सेट कर ही लेता है, लेकिन दो चीज़ें होनी चाहिए, किचन और बाथरूम। ये है ओवन और इसके ऊपर एक और माइक्रोवेव है जो ऑलरेडी बीच ही सेट हुआ है। तो ये ओपन ही है, इधर डाइनिंग एरिया है और ये फ्रिज पड़ी हुई है। फ्रिज की भी जगह बनी हुई थी ऑलरेडी, और इसमें यही साइज़ आ सकता था जो हमने लिया, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं आ सकता था। मुझे तो वो अच्छी लगती थी जो अमेरिकन स्टाइल होती है, लेकिन वो यहाँ आनी नहीं थी तो इसलिए हमने यही ले ली, लेकिन ये भी बहुत अच्छी है। ये है हमारा डाइनिंग टेबल और ये ग्रे है, यहाँ पेंट किया हुआ। इन्होंने तो हर जगह वॉलपेपर ही लगाया है, तो ये ग्रे है तो वहाँ मैंने मैच करके ऊपर उसकी जो वॉल आर्ट थी वॉल गाली। और ये जिसके बीच प्लेट सी पड़ी हुई है, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, ये भी मैंने घर लेने से पहले ही ले ली थी। आप देख रहे होंगे यहाँ 3 चेयर्स हैं, तो एक हमने ऊपर अभी रखी हुई है, वहाँ कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। ये हमारा गार्डन है पीछे, तो ये कर्टन्स मैंने खुद ही अभी तक तो लगाए हुए हैं, क्योंकि जब घर मूव हुए थे तो तब लिए नहीं थे इतने अचानक, तो ये ऐसे ही हमने कपड़ा लेके, खुला कपड़ा लेके, तो मैंने जल्दी से इसको सिलाई करके लगा लिया। तो जब एक बार सेट कर लें चीज़ तो बाद में इतनी जल्दी नहीं बंदा चेंज करता, तो बस वैसे ही हमने बेबी उनको ही रखा हुआ है, इंशाल्लाह जल्दी ही चेंज करेंगे। ये है हमारी कंजर्वेटरी, ये भी इधर से ओपन ही है, किचन को ओपन आती है डाइनिंग एरिया की तरफ। ये वॉल मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये वाला थीम ज़्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का है। ये कंजर्वेटरी का डोर है जो गार्डन की तरफ ओपन होता है, और ये बेचारी वन एंड ओनली एक चेयर पड़ी हुई है, बाकी कंजर्वेटरी तो सारी खाली ही है। ये विंडो हैं, सारी ग्लास की हैं, तो जब सर्दियां होती हैं तो तब ये कंजर्वेटरी काफ़ी ठंडी होती है, और हम ज़रा फिर इससे दूर ही रहते हैं कि यहाँ ना ही आना पड़े, और लॉन्ज में ही हम ज़्यादा टाइम फिर स्पेंड कर लेते हैं। ये देखें हर जगह कारपेट ही है, तो अच्छी लगती है, लेकिन चलने फिरने में फिर पाँव जब नीचे रखें तो अच्छा लगता है। ये क्लॉक भी काफ़ी अच्छा लगता है, ये पहले लॉन्ज में था तो फिर लॉन्ज से हमने शिफ्ट करके इसको यहाँ लगा दिया। ये फायर प्लेस है, ये भी काफ़ी अच्छी है, और ये इसमें वुड्स वगैरह डाल के इसको उनको बर्न करते हैं तो ये काफ़ी हीट देती है, तो फिर जल्दी ही हो जाता है। ये स्टूल है और इसमें मेरे बेटे के काफ़ी सारे टॉयज पड़े हुए हैं, और ये भी फ्रेश है, इंडोर प्लांट है, ये बहुत अच्छा है, छोटा सा था जब लिया, अब तो ये देखें अभी कहाँ तक पहुँच गया है माशाल्लाह। और ये जो न्यू आज ही इनको ओपन किया है, ये तो ओपन ही नहीं हो रहे थे, तो मेरे हस्बैंड इनको खुद ही ओपन कर दिया, तो ये तो काफ़ी बढ़ रहा है, बहुत अच्छा लगता है, घर में होना चाहिए एक एक आध कोई फ्रेश प्लांट भी। ये है लॉन्च को डोर ओपन होता, ये भी ग्लास का है, हर जगह हमारे तो ग्लास ग्लास ही है। और ये इधर देखें, ये भी सारा ऐसे ही ओपन है, आप देख सकते हैं यहाँ कोई डोर नहीं है, कुछ नहीं है, बस कर्टन्स ही हैं बीच, लेकिन अच्छा लगता है, काफ़ी ओपन ओपन है, आप हर जगह से ही घूम फिर के एक ही जगह पे आ सकते हैं। और इन कर्टन्स के पीछे मैंने चीज़ें हाइड की हुई हैं अपनी, मेरी मशीन है सिलाई वाली, तो मैं जब कपड़े सिलाई करने होते हैं तो वहाँ से उठा लेती हूँ और बाद में फिर हाइड कर देती हूँ। यहाँ फ़ैन भी है, क्योंकि ये ग्लास है तो जब समर में थोड़ी सी भी धूप पड़ती है तो काफ़ी हीट हो जाती है यहाँ, तो फिर थोड़े से फ़ैन की भी ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो चलें अब चलते हैं लॉन्च की तरफ, तो आपको मैं अब लॉन्च दिखाऊंगी। ये हमारा लॉन्च है, और सबसे अच्छी बात मुझे लॉन्च की कारपेट इतनी अच्छी लगती है, बहुत ही सॉफ्ट है, पाँव रखते ही सारी थकावट दूर हो जाती है। ये है फ्लोर लैम्प, और ये जब हम घर देखने आए थे हमने लेना था,
तो उनके कॉर्नर में पड़ी हुई थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। फिर मैं सोचती थी कि अब ये कहाँ से मिलेगी मुझे, मुझे भी यही लेनी है। हालांकि शायद इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है। मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी थी और मैंने फाइनली ढूंढ ही ली इसको। तो ये लाउंज है हमारा, हर जगह रेडिएटर्स लगे हुए हैं, क्योंकि सर्दी जब इतनी पड़ती है तो फिर जाहिर है ज़रूरत भी पड़ती है। और यहाँ पहले वो दूसरा क्लॉक लगा हुआ था जो कंजर्वेटरी में है, अब उसको वहाँ मूव करके और हमने ये वाला लगा लिया। और ये टीवी है जो सिर्फ मेरे बेटे का ही है, वही हर वक्त टीवी टीवी देखता रहता है। और ये भी मुझे पेंटिंग है जो बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत डिसेंट सी और बहुत अच्छी सी लगती है इस पर, पता नहीं क्यों। और ये अभी हमने ज़्यादा कुछ तो नहीं रखा, क्योंकि हम लास्ट ईयर ही मूव हुए थे, तो इतना कुछ नहीं अभी लिया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह लेंगे। तो फिर जैसे जैसे हम घर को और डेकोरेट करेंगे, पेंट शेंट करेंगे, तो फिर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, बताऊंगी। और ये मैट भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत डिसेंट सा लगता है। ये भी जो मैप है, ये भी मैंने पहले ही ले लिया था। काफ़ी चीज़ें तो मैंने पहले ही ले ली थी, घर लेने से भी पहले। अभी पता भी नहीं था हमने कब घर लेना है कब नहीं। तो अभी ये वाला जो डोर है, ये फिर वही हॉल हॉलवे के पास ही जाता है, उधर ही ओपन होता है मेन एंट्रेंस के पास। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये वो जो वॉज है वो अलग से लिया था, और इसमें जो एक एक फ्लावर्स हैं ये भी अलग से ही लिए थे, येलो अलग, पिंक और पर्पल और ब्लू सा, ये सारे हमने अलग अलग ही लिए थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। ये भी फायर प्लेस है, लेकिन ये गैस वाली है। जब भी दूसरे हीटर इतना काम नहीं करते, जल्दी रूम को गर्म करना पड़े, तो फिर हम यही यूज़ कर लेते हैं। और ये मेरा बेटा प्रोग्राम देख रहा था, उसको ये बहुत अच्छा लगता है, पीटर रैबिट। तो उसको मैंने कहा कि मुझे वीडियो बनानी है, तो आप ज़रा रूम खाली करेंगे प्लीज़। तो वो बेचारा कंजर्वेटरी में चला गया है और वहाँ घूम रहा है कि कब तक मैं वीडियो बना के फ्री हो जाऊँगी। और वो देखें, आप शायद देख भी सकते हैं, वो वहीं घूम रहा है कि मैं कितनी जल्दी बनाती हूँ, कि जल्दी जल्दी उसका टाइम स्पेंड हो और अपने अपना प्रोग्राम देखे, अपना फेवरेट प्रोग्राम। तो ये यहाँ ही आ जाता है जब हम इसको ओपन करते हैं। तो ये देखें, फिर हम वहीं पहुँच जाते हैं। ये देख के मुझे फिर याद आ गया कि मैंने आपको ये तो दिखाया ही नहीं कि हमने लॉन्च में भी एयर फ्रेशनर यहाँ भी लगाया हुआ है। ये हमने हर जगह ही लगाया है, बाथरूम में भी एक लगाया हुआ है, अच्छा लगा था हमें काफ़ी इसलिए। तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपस्टेयर्स भी दिखाऊंगी, वहाँ बेडरूम वगैरह दिखाऊंगी, बाथरूम दिखाऊंगी। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।